अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुनीरा सोज़र है। 9686 ए लेवल्स का सिलेबस, उसमें है नज़म रोटियां। नज़म रोटियां की मुझे काफ़ी बच्चों ने इनबॉक्स करके फरमाइश की कि आप जो है उसको आदमी नामा में बता चुकी थी, और उन्होंने कहा कि आप रोटियां का भी ज़रूर आप तारुफ़ और तशरीह बताइए। तो आज हम उस पर बात करते हैं। नज़म रोटियों की तशरीह करने से पहले इस नज़म की शायर नज़ीर अकबर आबादी का मुख्तसर सा तारुफ़ है। नज़ीर अकबर आबादी दिल्ली में पैदा हुए। अहमद शाह अब्दाली के हमले के बाद आगरा पहुंचकर ताजगंज में सुकूनत पजीर हुए और तमाम ज़िंदगी वहीं बसर की। फारसी के अलावा थोड़ी बहुत अरबी भी जानते थे। उनका मशगला दरस व तदरीस था। आखिरी उम्र में फालिज का शिकार हुए और उसी उम्र में उनका इंतकाल हो गया। इसी मर्ज में नज़ीर हर तबके और मिजाज के लोगों में उठते बैठते थे। जवानी में बहुत रंगीन मिजाज थे। खेल कूद, पतंगबाजी, तैराकी, वर्जिश, कबूतरबाजी उनकी दिलचस्पियों में शामिल थे। मुसलमानों और हिंदुओं के त्यौहारों में हिस्सा लेते थे, लुत्फानंदोज़ होते थे। आज़ादाना ज़िंदगी की तस्वीरों ने उनके कलाम में गैर मामूली वसत पैदा की थी। रंगारंगी थी उनके कलाम में। रिवायती शायरी करने के बजाय उन्होंने अवामी शायरी की, और उस दौर में उनको तस्लीम नहीं किया गया, लेकिन बाद में उनकी शायरी बहुत ही ज़्यादा मशहूर हुई और उनकी पहचान बन गई। उनकी अवामी नज़मों में आपको मुस्लिम हिंदू रिवायात मिलेंगी, त्यौहार मिलेंगे, मुख्तलिफ़ मज़हबों की बरगुजीदा जो हस्तियाँ होती हैं उनके तस्करे मिलेंगे। हिंदुस्तान के मनाजिर, परिंदों, जानवरों, मौसमों, फलों पर, खानों पर तक पर लिखा उन्होंने गैर रस्मी अंदाज़ में तस्करा हुआ, और अवामी मसाइल, फ़लसफियाना मौजूद पर भी उनकी नज़में बहुत मशहूर हुईं, जिनमें बंजारा नामा है, आदमी नामा, रोटियाँ, उन्होंने तारीख़ी हैसियत इख्तियार कर ली है। नज़ीर का ज़खीरा अल्फाज बहुत वसी था। जिस फितरी शायरी की बुनियाद आज़ाद और हाल ही ने डाली, उनका मौजद अगर नज़ीर अकबर आबादी को कहा जाए, उनके पेशरो वही थे। तो वो अपनी नज़मों में अखलाकी तलकीन करते हैं, समाजी इस्लाह का बार बार जिक्र करते हैं। उनका कारनामा यह है कि उन्होंने लफ्ज़ी सन्नाई के बजाय ख़याल और जज्बे को शायरी का मयार बनाया, और मबालगा आरई से वो हट गए, मज़मून आफरीनी से हट गए, तसन्नू और मुसज्जा और मुरक्का इबारत से वो हट कर उन्होंने सादगी, फ़िक्र और जिद्दत की मिसाल जो है कायम की। उन्होंने अपने मज़ामीन में बहुत ज़्यादा मनाजिर फितरत की बेमिसाल मिसालें पेश की हैं। बेनज़ीर जो थे वो हमारी तरह मौलिम थे, टीचर थे वो, और खनात की ज़िंदगी बसर करते थे। भरतपुर, हैदराबाद और अवध के शाही दरबारों ने उन्हें सफ़रे खर्च भेजा, उनको बुलाना चाहा, लेकिन उन्होंने आगरा छोड़ने से इनकार कर दिया। नज़ीर की अखलाक, आदात, सादगी, हिल्म, फरोतनी का जो ज़िक्र है वो तारीख़ में बहुत अच्छे अल्फाज में मिलता है। जहाँ दरबारदारी और वजीफ़ा ख्वानी का दौर था, उसमें बचना उनके एक अच्छे अखलाक का पता देता है। वो सूफ़ी मशरब थे, सुलह कुल इंसान थे। उन्होंने जिस खलूस और जोश के साथ हर मज़हब के, हत्ता कि हिंदू मज़हब जैसे मौजूद पर नज़में लिखी हैं, वैसी खुद हिंदी शायर भी वैसी शायरी ना कर सके। उस दौर के जो मयार शायरी था और कमाल फ़न जो था, उसके लतीफ़ पहलुओं को उन्होंने ज़िंदगी के आम तजर्बात से रिप्लेस कर दिया। उन्होंने पुरखलूस बयान पर कुर्बान कर दिया उसको। दरबारी शायरी की फ़िज़ा से दूर रह के उन्होंने आम मौजूद पर बात की। मौजूद का इंतखाब फिर एक मखसूस तबके के उन्होंने जो है वो नहीं किया, बल्कि उन्होंने आम लोगों के फहम और ज़ौक पर नज़र रखी। यहाँ तक कि ज़िंदगी, मौत, मनाजिल हयात, मनाजिल कुदरत, मौसम, त्यौहार, इमारत, गुरबत, मशागिल ज़िंदगी, खुदा शनासी या सनम आशनाई, तफरीहा, ज़राफ़त और इबरत के सारे उन्होंने जो है मनाजिर अपनी नज़मों में पेश किए हैं, और जिस मौजू पर नज़र डाली उसे अपने अंदाज़े बयान, तशबीहात, तलमीहात और इस्तारात के इस्तेमाल से उन्होंने एक बड़े जो है ना दायरे को नज़र में रखा। तो आप नज़ीर को उर्दू शायरी का एक बुलंद पाया और मुनफरिद शायर कह सकते हैं। रोटियां नज़ीर अकबर आबादी की मशहूर नज़मों में से एक है। इस नज़म का मरकज़ी किरदार भी जो है मुफलिसी से मिलता जुलता है। जिस तरह मुफलिसी गुरबत इंसान को जलील व ख्वार करती है, उसी तरह से रोटी भी इंसान को जलील करती है। पेट भर कर रोटी खाकर इंसान दीवाना भी हो जाता है, बेखुद हो जाता है, यानी कि रोटी से मुराद है उसकी तमाम जो ज़रूरियात अगर पूरी हो जाती हैं।
और रोटी खाकर इंसान थोड़ी देर के लिए अपनी औकात भूल जाता है, पेट बड़ा होने पे हंसता है, ज़ोर ज़ोर से कह कह लगाता है, और दूसरी तरफ एक फ़कीर को रोटी क्या नज़र आ जाती है, चांद सूरज जो होता है वो भी रोटी की तरह नज़र आता है गोल, क्योंकि उसको भूख होती है। उनकी आँखों में ऐशो मस्ती की अजीब सरमस्ती छा जाती है। और अगर किसी इंसान के पेट में रोटी ना हो, उसको भूख लगी हो, तो उसका दिल कहीं नहीं लगता, चाहे सूखी रोटी उसको मिल जाए, वो उसकी ज़िंदगी में बाहर की मानंद होती है। रोटी ऐसी चीज़ है जो हर इंसान को बदमस्त बना के रखती है। रोटी कमाने के लिए हर इंसान ने अलग अलग रूप धारे हुए हैं, कोई अपने कपड़े लाल किया हुआ है, किसी ने बाल लंबे किए हुए, दुनिया भर के कमाल होते हैं जो रोटी कमाने के लिए दिखाए जाते हैं। रोटी के लिए इंसान की जिद्दोजहद अज़ल से जारी है और क़यामत तक जारी रहेगी, और रोटी की अहमियत का जो अंदाज़ा है वो नज़ीर अकबर आबादी के इस बंद से लगाया जा सकता है। रोटी से जिसका नाक तलक पेट है भरा, करता फिरे है क्या वो उछल खुद जा बजा, दीवार फांद कर कोई कोठा उछल गया, ठट्ठा हंसी शराब सनम साखी इस सिवा। तो रोटी नामा के इस बंद में नज़ीर अकबर आबादी क्या कह रहे हैं, रोटी नामा के इस बंद में ये कह रहे हैं कि जब इंसान का पेट रोटियों से भरा हुआ होता है तो उसे किसी बात की फिक्र नहीं होती है, वो खुशी के मारे उछलता कूदता फिरता है। आदमी का पेट भरा होने पर ही उसे हंसी मजाक भी सूझता है, खाली पेट किस काम का मजाक, और उसी वक्त उसे महबूब भी याद आ जाता है, शराब भी याद आती है पीनी, साखी भी याद आता है जो शराब पिलाता है। असल मतलब ये कि उसको दुनिया की हर ऐशो आराम मस्ती सोचती है अगर पेट भरा हुआ हो इंसान का। तो असल जो रोटियां हैं जो इंसान की ज़िंदगी में 100 तरह के मतलब निकालती हैं, आदमी खुशी में तरह तरह के काम करता है। तो वज़ीर आगा का एक कॉल है, वो मैं आपको बताऊंगी। क़ब्लस ताम तंज बादस ताम मिज़ा, यानी खाने से पहले हर चीज़ तंज लगती है, बुरी लगती है, खाली पेट तो मिज़ा भी इंसान को तंज लगता है, और खाने के बाद हर चीज़ अच्छी लगने लग जाती है। जिस जा पे हांडी चूल्हा तवा और तनूर है, खालिक की कुदरतों का उसी जा ज़हूर है, चूल्हे के आगे आग जो जलती हुजूर है, उस नूर जितने हैं नूर सब में यही ख़ास नूर है, इस नूर के सबब नज़र आती हैं रोटियां। नज़ीर फरमाते हैं कि भोले इंसान के सामने जब चूल्हा जलता है तो उसे उसमें भी खुदा की कुदरत नज़र आती है, क्योंकि वो भूखा होता है। जब चूल्हे में आग जलती है तो भूखे आदमी को वो नूर नज़र आता है, क्योंकि उस आग पर रोटी पकाई जाएगी, और भूख में इंसान को रोटी के सिवा कुछ नज़र नहीं आता, उसको हर चीज़ ऐसा नज़र आती है कि वो रोटियां। आवे तवे तंदूर का जिस जा जबा पे नाम, या चक्की चूल्हे के जहां गुलजार हो तमाम, वहां सर झुका के कीजिए डंडोत और सलाम, इस वास्ते के ख़ास हैं रोटी के ये मकाम, पहले इन्हीं मकामों में आती हैं रोटियां। अब जब भूखा इंसान है, उसके सामने तवे और तंदूर का ज़िक्र आता है या चक्की चूल्हे का ज़िक्र आता है, तो उस पर अपनी सारी खुशियां कुर्बान कर देता है। वो हर उस जगह पर झुककर सलाम करता है जहां से उसको रोटी मिलने की उम्मीद हो, क्योंकि यही वो मकामात हैं जहाँ पर रोटी पकाई जाती है। मतलब उन्होंने इसको अलामत के तौर पर बताया है चूल्हा चक्की को। वो क्या कह रहे हैं अपने शेर में, वो ये कहते हैं कि सर झुका के कीजिए डंडोत और सलाम, वहाँ पे सर झुकाइए जहाँ पे आपको रोटी मिल रही हो। ठीक है, तो रोटी की खातिर इंसान अपनी खुशियों को कुर्बान करता है, बड़े से बड़ा काम करने को तैयार हो जाता है, बड़े लोगों को सलाम करने लग जाता है। ये इस बारे में इशारा है। इन रोटियों के नूर से सब दिल हैं बोल बोल, आटा नहीं है छलनी से छनछन गिरे हैं नूर, पेड़ा हर एक उसका है बर्फ़ी और मोती चूर, हरगिज किसी तरह ना बुझे पेट का तंदूर, इस आग को अगर ये बुझाती हैं रोटियां। नज़ीर कहते हैं कि रोटियों के नूर से सब दिल खुश हैं। जब छलनी में आटा छाना जाता है तो भूखे आदमी को वो आटा नूर नज़र आता है, जब रोटी पकाने के लिए बेड़ा बनाया जाता है तो उसको मोतीचूर के लड्डू और बर्फ़ी नज़र आती है। पेट की आग जो है इंसान की, वो सिर्फ रोटी ही बुझा सकती है, कोई नहीं बुझा सकता। पूछा किसी ने ये किसी कामिल फ़कीर से कि महरो माँ हक ने बना है काहे के, वो सुन के बोला बाबा खुदा तुझको खैर दे, हम तो चांद समझे ना सूरज हैं जानते, बाबा हमें तो ये नज़र आती हैं रोटियां। अब नज़ीर कहते हैं कि किसी कामिल फ़कीर से किसी बुज़ुर्ग ने पूछा कि अल्लाह ताला ने चांद सूरज क्यों बनाया है, तो उसने कहा कि अल्लाह ताला तुझे सलामत रखे, हमें तो ना चांद नज़र आता है ना सूरज नज़र आता है, हमें तो ये लग रहा है कि रोटी नज़र आ रही है। यानी कि जो भूखा इंसान हो उसको हर तरफ रोटी नज़र आती है, वो कुदरत के मज़ाहिर को भी इतनी खूबसूरती से नहीं देख सकता, उसको कोई चीज़ की खूबसूरती नज़र नहीं आती क्योंकि वो खाली पेट होता है।
फिर पूछा उसने कहिए ये है दिल का तूर क्या, उसके मुशाहिदे में है खिलता जहूर किया। वो बोला सुन के तेरा गया है शऊर क्या, कशफो कुलूब और ये कशफो कबूर क्या, जितने हैं कशफ सब ये दिखाती हैं रोटियां। नज़ीर कहते हैं कि इस शख्स ने कामिल फ़कीर से ये पूछा कि ये बताओ दिल का नूर क्या है, और जब उसको देखा जाता है कि क्या ज़ाहिर होता है तो ये बात सुनकर बुजुर्ग जवाब देते हैं कि तुम्हारी अक़ल को क्या हो गया, दिल पर किसी बात का ज़ाहिर होना कब्र पर मुर्दे में क्या गुजरी, ये कोई बात मायने नहीं रखती हैं। असल कशफ जो होता है गैब की बात का ज़ाहिर होना होता है, और सारे कशफ कौन दिखाती है, गैब की बात भी ज़ाहिर हो जाती है जब आपके पेट में रोटियां हों। तो वो ये कह रहे हैं कि ये कब्र का जो कशफ है और दिल का कशफ है ये क्या चीज़ है। रोटी ना पेट में हो तो फिर कुछ जतन ना हो, मेले की सैर ख्वाहिश बाहो चमन ना हो, भूखे गरीब दिल की खुदा से लगन ना हो, सच है कहा किसी ने कि भूखे भजन ना हो, अल्लाह की भी याद दिलाती हैं रोटियां। भजन कहते हैं हिंदुओं की इबादत को। तो नज़ीर कहते हैं कि अगर इंसान भूखा होता है तो उससे कोई काम नहीं कर होता, ना उसका कहीं घूमने का दिल करेगा, ना उसका अल्लाह की इबादत करने को दिल करता है। किसी ने सही कहा है कि भूखे पेट भजन नहीं गाए जाते, यानी इबादत नहीं होती है। रोटियां ही अल्लाह की याद दिलाती हैं, क्योंकि भूखा इंसान अल्लाह को ज़्यादा याद करता है। अगर आपके पेट में रोटी ना हो तो ना आपको कहीं घूमने का दिल करेगा, ना आपको किसी से बात करने का दिल करेगा, ना आपसे कोई काम होगा, हत्ता कि आप इबादत भी नहीं कर सकते। कपड़े किसी के लाल हैं रोटी के वास्ते, लंबे किसी के बाल हैं रोटी के वास्ते, बांधे कोई रुमाल है रोटी के वास्ते, सब कशफ और कमाल हैं रोटी के वास्ते, जितने हैं रूप सब ये दिखाती हैं रोटियां। अब नज़ीर जो है रोटी की अहमियत बता रहे हैं कि रोटी हासिल करने के लिए, रोज़गार हासिल करने के लिए इंसान दुनिया में किस किस तरह के रूप धारता है। मिसाल वो दे रहे हैं कि किसी ने कपड़े लाल पहने हैं, किसी ने बाल लंबे किए, मतलब वो अलग अलग रूप इख्तियार करता है ताकि उसको रोटी मिल जाए, और वो दुनिया में तरह तरह के जतन करता है। दुनिया में अब बदी ना कोई और ना कोई है, या दुश्मनी वो दोस्ती या तुंध हुई है, कोई किसी का और किसी का ना कोई है, सब कोई है उसी का जिस हाथ डोई है, नौकर नफर गुलाम बनाती हैं रोटियां। डोई कहते हैं जिससे सालन निकाला जाता है, चम्मच को, ठीक है। रोटियां कहते हैं कि दुनिया में कोई किसी का नहीं है, ना बुराई है ना दुश्मनी है, सब लोग उसके आगे पीछे घूमते हैं जिसके हाथ में रोटी हो। अब ये देखें मिसाल की बात है, हर कोई उसके आगे घूमता है जिसके पास दौलत हो, यानी कि रोटी हो। एक कहावत है कि जिसकी रोटी उसका सब कोई, मतलब ये कि लोग वहीं पर बात मानते हैं, उसी के आगे सजदा रेज होते हैं, उसी की बात मानते हैं दुनिया में जिससे उसकी कोई ज़रूरत पूरी होती हो। तो दोस्ती दुश्मनी अच्छाई बुराई तलखी और तेज़ी जो भी कुछ है उस रोटी से जुड़े हुए हैं, और उस रोटी रोज़गार से जुड़े हुए हैं। रोटी का अब अज़ल से हमारा तो है खमीर, रोटी ही रूखी ही रोटी हक में हमारे है शहद व शीर, या पतली हो वे मोटी खमीरी हो या फतीर, गेहूं जवार बाजरे की जैसी हो नज़ीर, हमको तो सब तरह की खुश आती हैं रोटियां। अब नज़ीर ये कह रहे हैं, अपने आप से मुखातिब कह रहे हैं कि इंसान का रोटी से शुरू से ताल्लुक़ रखा है, चाहे इंसान अगर भूखा हो तो उसको सूखी रोटी भी शहद और दूध की तरह मालूम होती है, चाहे वो रोटी मोटी हो पतली हो खमीरी हो चपाती की हो गेहूं की हो जवार हो जैसे भी हो। वो कहते हैं हमें हर तरह की रोटी अच्छी लगती है, हमें तो सिर्फ पेट भरने के लिए रोटी चाहिए, चाहे वो कैसी भी बनी हुई क्यों ना हो। वो ये नहीं देखता है कि ताज़ा है या बासी है। तो बेसिकली इसमें जो है वो रोटी रोज़गार की वो बात कर रहे हैं, और वो इस्तआरों में ये बात कर रहे हैं। मैं इसकी जो नोट्स हैं मैं PDF इसका अपलोड कर दूंगी अपने चैनल पे, आप नोट्स भी प्रिंट करा लीजिए और ये आप समझिएगा आपको कैसी लगती है वीडियो, अपना ज़रूर बताइए, आपका थम्स अप बताएगा मुझे कि आपको कैसी लगी, और इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस फौरन आपको नोटिफिकेशन आ जाए। अल्लाह हाफिज़।